वेलकम सूर्या फंडामेंटल स्टडी में। क्वेश्चन है, अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 36.75 लेस, ही वुड हैव गेन 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन ये रहा, अब यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पीईबी एक्स, एक्स है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 25% गेन पे इसे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 25% एक्स प्लस एक्स का 25%, एक्स का 25% इसमें प्लस कर दीजिए, तो इतना इसका सेलिंग प्राइस हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 125x/100 दैट इक्वल टू 5x/4, ये सेलिंग प्राइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ही हैड बॉट, जो इसको खरीदा है 20% लेस पे, तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी? एक्स का 20% लेस यानी एक्स माइनस 20x/100। इसे सॉल्व करेंगे 80x/100 आ जाएगा, दैट मींस 4x/5 आ जाएगा, ये कॉस्ट है प्राइस है। अब कह रहा है कि इसमें से भी 36.75 रुपया सब्ट्रैक्ट करके जब बेचते हैं तो उसे 30% का गेन प्रॉफिट होता है। कितना? यानी आपका सेलिंग कास्ट प्राइस टोटल कितना हो गया? ये 4x/5, तो कास्ट प्राइस क्या होगा? ये आपका जो 4x/5 है इसमें से भी माइनस क्या है? इसमें से माइनस है 36.75 पैसा, इतना इसमें बेच रहा है तो उसे 30% गेन, ये जो कास्ट प्राइस है इतना है और वो बेच रहा है तो उसको 30% का गेन प्रॉफिट हो, ऐसा कह रहा है। तो परसेंटेज गेन इक्वल फार्मूला होता है गेन इनटू 100/ कास्ट प्राइस होता है। तो इसी फार्मूला में हम रख देते हैं 30% गेन निकालने के लिए गेन। तो ये गेन निकालने के लिए आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है 5x/4, कास्ट प्राइस कितना है आपका? 4x/5 इतना है, ये तो गेन हो गया प्लस इतना और इसमें माइनस है 36.75, इतना टोटल होने के बाद कास्ट प्राइस 4x/5 इनटू 100, ये फार्मूला में पुट अप हो गया। इसी को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है। हाँ, तो ये आपका 30 ऐसे हो गया 30, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x/5 इक्वल, इधर इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं 20, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5×25x-4×16x-3 36.75 इतना हुआ इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 5×5 5×6 30 और 6×4 24x इक्वल, यहां पे कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 9x/20 - 36.75 × 100। 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, ये 24x इक्वल 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x/20 - 36.75 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें करेंगे तो इस तरह से, तो 21 × 20 = 25 × 100, 5×9 = 45, तो 24x इक्वल ये कितना हो जाएगा? 45x - 36.75 इतना हुआ, ये इधर आ जाएगा
तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा -21x = -3675, -6 3675/-21। माइनस माइनस से कटा, ये 21 को इसमें डिवाइड करेंगे तो यक्स की वैल्यू आपकी 175 आ जाएगी, यही आंसर होगा। यानी यक्स क्या है, यक्स है आर्टिकल का कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना आ गया 175। क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा, समझ में आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।